फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दून ब्लॉगर दिव्या पे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, मैं इसमें आपसे शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से अपने घर की आयन को साफ़ कर सकते हैं। जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो हमारे आयन जल जाती है, जो उसमें दाग रख जाते हैं वो ईजिली साफ़ नहीं होते हैं। तो हम उसको किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, आज मैं ये वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरी आयन है वो भी काफ़ी हद तक जली हुई है और मेरे को इसको साफ़ करने में थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ी। तो आई होप फ्रेंड्स, आपकी आयन इतनी ना जली हुई हो और आपको कम मेहनत करनी पड़े। लेकिन जो भी ये रेमेडीज है, इससे आपकी आयन एकदम साफ़ हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरी आयन एकदम साफ़ हो चुकी है, एकदम साफ़ लग रही है, जो पहले ऐसे नहीं थी। पहले ये बहुत जली हुई थी। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने जो लिया हुआ है फ्रेंड्स, वो है वाइट विनेगर, जो हर किसी के किचन में होता है, और बेकिंग सोडा और एक टूथपेस्ट। कोलगेट लीजिए आप, कोई यहाँ पर कोई सा भी टूथपेस्ट ले सकते हैं, पेप्सोडेंट ले सकते हैं, कोलगेट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये रेमेडीज़ को बनाना। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पेस्ट, लगभग मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के अराउंड लिया हुआ है यहाँ पे पेस्ट को। तो यहाँ पे मैं लूँगी बेकिंग सोडा, लगभग 2 चम्मच के बराबर बेकिंग सोडा को मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और मैं लूँगी यहाँ पे फ्रेंड्स 3 चम्मच के लगभग 3 चम्मच मैं यहाँ पे लूँगी वाइट विनेगर। मुझे इन तीनों का एक अच्छा सा इन तीनों को आपस में अच्छे से मिला लेना है, एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, ताकि हम अपने आयन पे इसको अप्लाई कर सकें। तो इन तीनों का अच्छा सा पेस्ट जब बन जाएगा फ्रेंड्स, तो मैं इसको अपने आयन पे लगा लूँगी। लेकिन इससे पहले आपको अपनी प्रेस को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, हीट करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपको ये पेस्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी ये है, देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी आयन है वो काफ़ी जली हुई है, बहुत ज़्यादा ही जली हुई है फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी आयन। तो मैं इसको थोड़ा पहले गर्म कर लूँगी, फिर मैं जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है इसको अप्लाई कर लूँगी। तो पहले आप अपनी प्रेस को थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने आयन को थोड़ा गर्म कर लिया है, फिर मैंने ये पेस्ट अप्लाई किया। अभी तो आपको ये साफ साफ लग रहा होगा, लेकिन देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी प्रेस को गर्म कर लिया है और जो मैं इसमें पेस्ट लगा रही हूँ तो इसमें थोड़े बबल से बन रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से अपने प्रेस को करना है, फिर एक स्क्रबर की हेल्प से आपको इसको साफ़ करना पड़ेगा। मेरी प्रेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, तो मुझे ऐसा 2-3 बार अप्लाई करना पड़ा और साफ़ करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से साफ़ कीजिएगा तो आपकी प्रेस या आयरन एकदम साफ़ हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्क्रबर, तो आप देख सकते हैं जो आपको अभी साफ साफ लग रहा था वो स्क्रबर के बाद आपको दिख रहा हो। लेकिन काफ़ी हद तक मेरी प्रेस साफ़ हो चुकी थी। तो आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है पेस्ट को और धीरे धीरे आपकी आयरन, आपकी प्रेस साफ़ होती जाएगी। तो बस थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरी आयरन बहुत ज़्यादा जली हुई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मैं स्क्रब की सहायता से अपनी आयरन का जो जला हुआ हिस्सा वहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे 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 ये साफ़ होते जा रहे। तो मैं यहाँ पे एक गीला कपड़ा ले रही हूँ और गीले कपड़े से साफ़ करें, तो आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, अगर आप उसे नेक्स्ट टाइम फिर से अप्लाई करेंगे तो एकदम स्क्लेगी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरीके से अपनी प्रेस को साफ़ कर लेना है। अगर आपको लगे आपकी प्रेस साफ़ नहीं हो रही, तो आप उसी पेस्ट को 2-3 बार अप्लाई कीजिएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आयरन साफ़ हो रही है। तो मैंने भी यही ट्राई किया है, तो आप देख सकते हैं अंतर पहले और अब में, कि पहले मेरी प्रेस बहुत ज़्यादा जली हुई थी और अब मेरी प्रेस एकदम साफ़ लग रही है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, पहली प्रेस मेरी बहुत ज़्यादा जली हुई थी और अब एकदम साफ़ है। आई होप आपको ये रेमेडीज़ अच्छी लगी होगी और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।